सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। वीकेंड के बाद में सलमान खान ने बिग बॉस के घर वालों को सभी की क्लास लगाई। सलमान की क्लास लगाने के बाद सलमान खान ने बिग बॉस के दो प्रतियोगियों को सुल्तानी अखाड़ा में भिड़ाया और वो दो प्रतियोगी सपना चौधरी और ढिंचक पूजा थी। सुल्तानी अखाड़ा में 3 राउंड होने थे। पहले राउंड में जुबानी जंग होती है जिसमें घर वालों के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। इस राउंड में अपने आप को बेहतर बताना होता है जिसमें सपना चौधरी और ढिंचक पूजा ने अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश की। इसमें सपना चौधरी ने बताया कि मैं अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं बिना और सुर ताल के नहीं गा सकती। इस पर ढिंचक पूजा ने कहा कि सबका अपना अपना वे होता है, सभी का अपना गाने का भी स्टाइल अलग होता है, मेरा भी गाने का स्टाइल अलग है। जरूरी नहीं है कि गाने वाला बंदा पहले से सीख कर आया हो, सबका अपना अलग स्टाइल होता है इसलिए वह अपने स्टाइल से गा सकता है। इस पर सलमान खान बीच में ही टोकते हुए बोले, अगर तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा, एक गाने वाली और एक नाचने वाली। घर के बाहर अगर जाती हो तो सपना चौधरी नाचे और ढिंचक पूजा गाए तो तुम दोनों का कॉम्बो कितना अच्छा होगा। सलमान खान के सपना चौधरी को नाचने वाली बोलने पर अर्शी खान बहुत ज्यादा खुश होती है और घर वालों को बीच में ही बोलती है कि आखिरकार सपना चौधरी को नाचने वाली बोल ही दिया। इस पर सलमान खान बीच में बोलते हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हो और तुम बीच में बात कर रहे हो। इस पर अर्शी खान सलमान खान से माफी भी मांगती है। हालांकि सलमान खान के नाचने वाली बोलने पर सपना थोड़ी सहम भी गई थी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज चैनल।